अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जो पैनकेक है बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाल आपको बताएगी आज के इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। चलो बना शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले ये फ्लोर है, ठीक है, जिसको उर्दू में मैदा कहते हैं। और ये फ्लोर आप कुछ भी यूज़ करते हो, ऑल पर्पज़ फ्लोर है। जो बाकी कि उसके एक बाद, कप जाएगा। हाँ, बाकी उसके बाद आपको एक अंडा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वनीला एक्स्ट्रैक्ट है ना, क्या वनीला फ्लेवर क्या, वनीला एसेंस है और वनीला, सॉरी, ठीक है। इसकी जगह, आप इसके वनीला वो कहते हैं, बस 1 चम्मच वनीला एसेंस का चाहिए, एक अंडा चाहिए, उसके बाद फिर 2 चम्मच जो उनसे वो हमारे पास बटर के हैं, बटर के, तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा सॉल्ट है, एंड देन फिर ये आई थिंक सो बेकिंग बेकिंग पाउडर पाउडर है, 1 चम्मच और ये दो और चम्मच ये शुगर 2 चम्मच शुगर, व्हाट इज दिस। बाकी ये इंग्रेडिएंट्स हैं और अब ये मिक्स करके पैनकेक बनाते हैं। ये जाएगा फ्लावर अंदर, फिर उसके बाद शुगर, ने। हाँ, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक ही टाइम पे डाल दो और उनको मिक्स करना है। बेकिंग पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स करना है। वेट, ये सेम गाइस, एज यू नो के मैं भूल गई कि मिल्क भी डलता है इसके अंदर, तो 1 कप मिल्क भी डलता है। आप वो बता ना कि अगर मनाल कह रही है तो, हाँ जी, तो अब हम मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो मम्मी खाना भी है। अच्छा गाइस, अब हम सारे लाइक वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डाल देंगे। तो सबसे पहले हम एग डालेंगे, उसके बाद बटर डालेंगे साथ, अच्छे तरीके से डालेंगे, उसके बाद वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे, फिर मिर्च डालें, ला दो और उसको मिक्स कर दो। अब हम मिर्च डालेंगे एंड देन स्टर देम। तो गाइस, अब मैं आपको ट्रिक टाइम बता देती हूँ। तो बेसिकली पैनकेक बनाने के लिए आपको जो ये जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो आपने मिक्स किए हैं ना, इसको ज़्यादा बीट नहीं करना है। जितना आप बीट करोगे उतना हार्ड पैनकेक बनेगा, तो ये ट्रिक है। बाकी उसके बाद अभी हम आराम आराम से इनको मिक्स करेंगे, लाइक दो स्लो पोर्शन स्लो, में, ठीक हाँ, है। दो पहले पोर्शन में, हाफ ये डालेंगे, और फिर हाफ ये डालेंगे, फिर उसके बाद हाफ दोबारा से ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और फिर बाकी का ये बटा ये और। हाफ हो गया ना, हाँ, हाँ, बस हो गया। उसके बाद इसको भी थोड़ा डालते हैं, बस नहीं। बना ले सकते हो? तो अब मम्मा कह रही है, क्योंकि मेरे से तो हो पाएगा ही नहीं ना, मुझे मेजरमेंट का इतना पता है। और ये जस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से इनको मिक्स करना है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे या सख्त हाथ से ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। सॉफ्ट नहीं मेरे बनेगा सॉफ्ट हाथ है, ठीक है मम्मा, सख्त हार्ड नहीं है, हार्ट आई मीन हार्ट गाइस, मेरे सख्त हाथ है, लाइक लिटरली तेरे मासूम से हाथ है मेरे। मामा कह रही कि मेरे सख्त हाथ है, ये मरवा को देखो। जैसे कि जितना हमने मिल्क, अंडा और बटर वगैरह यूज़ किया, बस उसी में ही ये रेडी हो जाएगा। और इसको अगर हम ज़्यादा मिक्स करते जाएंगे तो फिर ये पैनकेक सॉफ्ट नहीं बनेंगे, तो ये हार्ड हो जाएंगे। गाइस, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, ठीक है, एंड आई स्वेयर ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि सिर्फ उसी इंग्रेडिएंट्स के अंदर इतना ही पैनकेक बना है। नहीं तो मैं कभी मिल्क ज़्यादा डाल देती हूँ, नहीं तो कभी अंडे ज़्यादा डाल देती हूँ, और कभी दूध ज़्यादा डाल देती हो। क्योंकि वही तो कह रही हूँ। चलो बस अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तो क्या अब ये हल्का सा स्प्रे हम करेंगे, एक ऑयल का स्प्रे करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मामा, जैसा कि आप देख सकते हैं, पैन जो वो थोड़ा सा हीट हो गया, तो यहाँ पे मामा पैनकेक डाल रही हूँ, यहाँ पे मामा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि हम जो है थिक पैनकेक नहीं खाते, फैट कहने वाली थी, थिक पैनकेक नहीं खाते क्योंकि हमें बस अच्छा नहीं लगता। तो आपकी मर्ज़ी, आपने थिक करना थिक कर लें या फिर थिन करना थिन कर लें, तो हम तो थिन खाते हैं, तो इसलिए मामा ने स्प्रेड करी। गाइस, जब तक इसके ऊपर बबल नहीं आते थे, तब तक हम इसके साइड ही चेंज करेंगे। वैसे तो आ गए हैं, तो आई थिंक सो अब नहीं, चेंज अभी कर सेंटर से भी जब बबल्स आ जाएंगे तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। गाइस, अब हम पैनकेक को टर्न करेंगे क्योंकि बबल्स आ चुके हैं इनके ऊपर, तो अब पैनकेक को हम टर्न करेंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंड गाइस, जल्दी आप देख सकते, कितनी प्यारी शक्ल बनी है पैनकेक की। ये जो है, अब हमने सेकंड वाला डाला है, और ऐसे ही जैसे इस पे बबल्स आ जाएंगे तो बस फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए, हमने इसकी साइड चेंज किया है। पहला जो हमने पैनकेक बनाया था उसके नीचे हमने ऑयल लगाया था पैन पे, तो वो उसकी शक्ल दूसरी थी। ये दूसरा पैनकेक जो हमने बनाया है, तब हमने पैन में ऑयल नहीं लगाया, तो इसकी शक्ल ऐसी है। तो गाइस, अभी हम जाने वाले थे स्कूल, बट उससे पहले पहले मम्मा ने हमारे लिए पैनकेक्स बनाए हैं,
तो अब हम जाने हम खाने वाले हैं पैनकेक्स। ओके, अब मैं बता देती हूँ, आप पैनकेक के साथ ब्लूबेरीज भी खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी। मुझे तो स्ट्रॉबेरीज पैनकेक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी ब्लूबेरीज है, ब्लूबेरीज भी बड़े मजे के हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट है, जो न्यूटेला है, एंड देन हमारे पास हनी है। तो ये हनी जो है देखो कितना प्यार लग रहा है, तो यहाँ पे आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं तो अभी हनी डालूंगी, चॉकलेट तो भैया अभी खाने का कोई फायदा नहीं। ओह माय गॉड, बस बस इतना ही काफ़ी है। तो अब थोड़ी सी ब्लूबेरी डाल दूँगी और इस तरह रोल कर दूँगी लाइक। और अब मरवा के लिए जो है वो मरवा चॉकलेट वगैरह खाएगी, तो वो थोड़ा अभी चॉकलेट भी हम लोग को कर लेते हैं। और चलो ये मरवा के लिए भी बन गया, तो ये आपकी मर्जी है, आप लोग ने जिस तरह भी खाना है खा लेना। तो हम तो इस तरह खाते हैं, बाकी आप लोग बताना आप लोग किस तरह खाते हो पैनकेक्स और किसके साथ खाते हो। बाकी गाइस सी यू, अल्लाह हाफिज़।